वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री और उसकी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के उसका होम मिनिस्टर किस तरीके से फ्रैक्शन कर रहा है समाज के अंदर। वो कह रहा है खुलेआम कि मैं सिख को लूंगा, ईसाई को लूंगा, बुद्धिज्म को लूंगा, इन तमाम तरह के 7 कम्युनिटीज को लूंगा, मगर एक तबके को नहीं लूंगा। ले जा रहे हैं मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। और हम 2 times इंडियंस हैं, एक बाई बर्थ हैं और एक बाई चॉइस हैं। हमारे आबा अजदाद इस मुल्क को छोड़ करके गए, पाकिस्तान गए, हम नहीं गए, हमारे बाप दादा नहीं गए, सिर्फ इसलिए कि हमें इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत थी, इस मुल्क की इमारतों से, इस मुल्क के दरख्तों से मोहब्बत थी। क्या उसका सिला हमें ये दिया जा रहा है? इस मुल्क को खूबसूरती के नाम पर हमने ताजमहल दिया, हमने बुलंदी के नाम पर कुतुब मीनार दिया, हमने लाल किला दिया जहाँ से मुल्क का वज़ीर आज़म खड़े होकर 15 अगस्त 26 जनवरी को स्पीच करता है, और इस तरीके से हमको टारगेट किया जा रहा है। हुज़ैफ़ा आमिर रशादी और सेक्रेटरी हूँ मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का। नहीं बिल्कुल, आप देखिए CAB जो लाया गया है ये कहीं ना कहीं एक साजिश है मुल्क को तोड़ने के लिए, और मुल्क जो एक सेक्युलर स्टेट है, एक जमहूरी मुल्क है, उसको ख़त्म करने की एक साजिश है। और ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, इस मुल्क की इंसाफ पसंद आवाम का है और तमाम लोगों का है जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क हो। और आप सोचिए कि हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती पूरी दुनिया में इसीलिए थी कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेकुलर स्टेट है, जहाँ अनेकता में एकता है, डाइवर्सिटी में यूनिटी है, और उस चीज़ को तोड़ने की साजिश हो रही है। और अगर आज हम लोग उसके खिलाफ नहीं खड़े हुए तो यकीन माने कि हमारी आने वाली जनरेशन और हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। और आप सोचिए कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री और उसकी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के उसका होम मिनिस्टर किस तरीके से फ्रैक्शन कर रहा है समाज के अंदर। वो कह रहा है खुलेआम कि मैं सिख को लूँगा, ईसाई को लूँगा, बुद्धिज्म को लूँगा, इन तमाम तरह के 7 कम्युनिटीज़ को लूँगा, मगर एक तबके को नहीं लूँगा जिस तबके से मेरा ताल्लुक़ है। तो ये कहाँ ले जा रहे हैं मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। और हम 2 times इंडियंस हैं, एक बाई बर्थ हैं और एक बाई चॉइस हैं। हमारे आबा अजदाद इस मुल्क को छोड़ करके गए, पाकिस्तान गए, हम नहीं गए, हमारे बाप दादा नहीं गए, सिर्फ इसलिए कि हमें इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत थी, इस मुल्क की इमारतों से, इस मुल्क के दरख्तों से मोहब्बत थी। क्या उसका सिला हमें ये दिया जा रहा है? मैं मुल्क के अवाम से, इंसाफ पसंद अवाम से अपील करूँगा कि हमने इस मुल्क की आज़ादी में कुर्बानियाँ दी, हमारे उलमाए किराम ने लाशें लगा दी अपनी, इस मुल्क को खूबसूरती के नाम पर हमने ताजमहल दिया, हमने बुलंदी के नाम पर कुतुब मीनार दिया, हमने लाल किला दिया जहाँ से मुल्क का वज़ीर आज़म खड़े होकर 15 अगस्त 26 जनवरी को स्पीच करता है, और इस तरीके से हमको टारगेट किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के ज़रिए हिंदुस्तान की अवाम पसंद अवाम से अपील करूँगा कि उठिए, खड़े होइए, ज़ात से, मज़हब से, बिरादरी से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर उठ करके यूनाइट होइए। और अगर आज यूनाइट नहीं हुए इस बिल के ख़िलाफ़ तो यकीन मानिए कि मुल्क आपको माफ़ नहीं करेगा। और ये उसी तरह हो रहा है जिस तरह ये डिमोनेटाइजेशन लेकर के आए थे कि से काला धन आ जाएगा, टेररिज्म रुक जाएगा। क्या हुआ? नुकसान इस मुल्क के आवाम को उठाना पड़ा, सिर्फ एक तबके को नहीं, उन तमाम लोगों को उठाना पड़ा। मुल्क की GDP कहाँ गई? मुल्क की इकोनॉमिकल कंडीशन कहाँ गई? मुल्क के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को टारगेट किया जा रहा लगातार। हमारे इंस्टीट्यूट को कई बार टारगेट किया गया, कई बार कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई जिन्ना के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, सिर्फ इसलिए कि ये चाहते ही नहीं कि मुल्क का यूथ पढ़े और इनसे सवाल करें। अभी हम लोग को जो 2 महीना जेल में ठूस दिया गया अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल में, सिर्फ इसलिए कि हमने गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई, हमने इनकी गलत उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई, और ये सोचा कि हमको जेल भेज करके कमज़ोर कर देंगे, मजबूर कर देंगे। तो हमने निकलने के बाद मीडिया पर्सन से ये बात कही थी कि जेल जाने के बाद हम मजबूर नहीं बल्कि और मजबूत होकर के निकले हैं। हम इनके मुकदमे से, इनकी जेल से और इनके काले पानी से डरने वालों में से नहीं है। हमेशा इस मुल्क के मुसलमानों ने और इस मुल्क के इंसाफ पसंद आवाम ने इसके ख़िलाफ़ मजबूती से लड़ाई लड़ी है, और मुझे उम्मीद है कि अब भी हम लड़ेंगे, सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे, संसद से अगर पास हो जाएगा तो संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, मगर खामोश नहीं बैठेंगे। जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी इस्तेआत है, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और इस बिल को कंडेम किया है, कल हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 10,000 लड़कों ने इस बिल को जलाया लाइब्रेरी कैंटीन पर, और इसको रिजेक्ट किया, इसका फुल अपोज किया। आज हम दिल्ली चल करके आए हैं सिर्फ इसलिए कि ये मसला सबका है, और आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। और एक बात और कि आज देखिए जो मौजूदा कंडीशन है मुल्क की, मुल्क के आवाम डिमांड कर रही है, हमारी माएँ और बहनें डिमांड कर रही हैं कि हिंदुस्तान रेपिस्तान बनता जा रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। इसी दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ, पूरे हिंदुस्तान को हिला करके रख दिया उसने, और आज तक ऐसा मजबूत कानून नहीं बना पाए कि लोग उससे डरें, थर्राएँ उस तरह के जुर्म को करने के लिए। मगर आप सोचिए कि क्रिमिनल को भी,
रेप जैसी घटनाओं को भी धार्मिक रंग दे दिया गया। उनके नेता ने कहा ना कि उनको पब्लिक के बीच में लाकर किया जाए, उनके जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनके बारे में नहीं। बिल्कुल, आप सोचिए कि जो इस तरह के लोग हैं, और हम मैं सवाल करूंगा कि हिंदुस्तान के अवाम एक दानिशमंद अवाम है, और इस तरह के लोगों को जिता कर पार्लियामेंट भेज रही है, असेंबली भेज रही है, जिन लोगों को दौड़ाना चाहिए था कि रोड पर, उनको आप विधायक और एमपी बना रहे हैं अपना। कहाँ गई आपकी दानिशमंदी, कहाँ गई आपकी इंटेलेक्चुअलिटी? क्या ये हमारी रिवायत थी, ये हमारा कल्चर था? और आप सोचें कि इस वक्त डिमांड है कि इस पर बिल आना चाहिए, एक मजबूत कानून बनना चाहिए फांसी वाला, तो उस पर बिल नहीं आ रहा। बिल किस पे आ रहा है? तीन तलाक पे आ रहा है। बिल किस पे आ रहा है? NRC पे आ रहा है। बिल किस पे आ रहा है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ रहा है। तो मुल्क के अवाम को उस पर सोचना चाहिए और इनसे सवाल करना चाहिए और इसके खिलाफ मजबूती से खड़े होना चाहिए, नहीं तो मुल्क टूट जाएगा और हमारी आने वाली जनरेशन आपको माफ नहीं करेगी। जिस तरीके से ये बिल लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में अगर ये पास हो जाता है तो हमारे मुसलमानों के पास, देश की जनता के पास क्या विकल्प होगा? डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम पीसफुली डेमोक्रेटिकली एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और उसके साथ साथ जो हमारे जुडिशियरी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हम मिलेंगे, बात करेंगे कि इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाए। जिस तरह तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, बाबरी मस्जिद का डिसीजन आया उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाली, तो उसी तरह इस बिल के खिलाफ भी डालें। ये मसला किसी एक खास तबके का मसला नहीं है। क्या हुआ असम के अंदर? NRSC में 19 लाख लोगों को बाहर किया गया, जिसमें 15 लाख वो लोग थे जो सो कॉल ये दावा करते हैं कि हमारे आइडियोलॉजी के लोग हैं। उसमें तकरीबन 4 से 5 लाख की तादाद हमारे तबके की थी। तो इसमें नुकसान सबका है, नुकसान कलेक्टिवली है, पूरे मुल्क का है, हिंदुस्तान की आवाम का है। जितनी जल्दी इस चीज़ को समझ जाएं उतना मुल्क के हक में बेहतर है और हिंदुस्तान के बाशिंदों के हक में बेहतर है।